हाय माय ब्यूटीफुल जमनाय पीपल आप सब लोग कैसे हैं मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और डियर मैं आज आप लोगों के लिए अगस्त मंथ के जो कुछ डेज बच गए इनकी रीडिंग करने वाली हूँ और देख लेते हैं क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर ये जो कुछ अगस्त के दिन रह गए इनके लिए तो हमेशा की तरह मैं यूज करने वाली हूं टैरेट ऑफकोर्स ठीक है तो एक एक करके देखते हैं क्या है ठीक है ओके okay. अच्छा यहाँ पर पीछे मैंने एक स्प्रेड लगाया है शफल करके तो ये है हम आउटकम निकालेंगे इस मंथ का ठीक है जो थोड़ा सा आउटकम है वो निकालेंगे कि कैसे जाने वाला है तो सबसे पहले हमारे पास जजमेंट रिवर्स आया ठीक है मैं रिवर्सल ऑफ कॉर्स लूंगी क्योंकि ये जोडिक रीडिंग है तो जजमेंट रिवर्स आया है उसके बाद है हमारे पास हैंगड मैन ओके देन हमारे पास पेज ऑफ कप्स रिवर्स ओके okay. देन है हमारे पास द सन वाओ ओके उसके बाद है हमारे पास फाइव ऑफ पेनिकल्स आप शायद आपको दिख रहे होगा सारे कार्ड्स और फिर आया हमारे पास द स्टार रिवर्स तो माय जेमिनी पीपल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम से आप किसी पर्सन uh, का वेट कर रहे हैं ठीक है काफी टाइम से आप लोग वेट कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो पर्सन है आपको किसी तरीके का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है ठीक है रिप्लाई इन सेंस की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आना चाहिए नहीं आना चाहिए मतलब थोड़ा सा ईगो बैटल सा लग रहा है मुझे यहां पर विद दिस पेज ऑफ कप्स एनर्जी ठीक है लेकिन अब यह आया है रिवर्स ठीक है अब यह आया रिवर्स दैट मीन्स कुछ तो चेंज होने वाला है कुछ तो ह्यूज अमाउंट में चेंज होने वाला है आप लोगों के बीच में और ये जो इमेच्योरिटी वाली एनर्जी थी ना ये खत्म होने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है काफी टाइम से आप और आपके पार्टनर दोनों मुझे ऐसा लग रहा है हैंगडमैन की सिचुएशन में थे ठीक है हैंगडमैन इन सेंस कि स्टक थे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और कहाँ बढ़ना चाहिए कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन फाइनली अब वो चीजें सही होने वाली हैं क्युं? क्यों क्योंकि यहां पर आया दसन का कारण ठीक है तो ओवरऑल मंथ की अगर मैं बात करूं तो ये मंथ नॉर्मल तो नहीं रहने वाला है ठीक है फॉर श्योर नॉर्मल तो नहीं रहने वाला है कुछ तो ऐसा अलग हटके होने वाला है आपकी लाइफ में जो आपने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा काफी टाइम से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है ठीक है हमारे साथ गलत हुआ है जो कुछ भी हो रहा है मे बी ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल रीजन uh, की वजह से आपके पार्टनर ने इस तरीके का आपको बिट्रायल किया हो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है फाइव ऑफ कॉइन्स का कार्ड यानी फाइव ऑफ पेनिकल्स का कार्ड ओके का का कार. okay. तो आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ सही नहीं हुआ है आपके साथ गलत हुआ है तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल सही सोचते हैं आप क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड भी आया है ठीक है वो भी रिवर्स में तो यहाँ रिवर्सल एनर्जी बहुत ज्यादा है इसलिए मैं बोल रही हूं कि आ, मेजर शिफ्ट आने वाला है आप लोगों के एनर्जी के अंदर और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम से आप जिस चीज का वेट करे थे ना वो पूरी होगी विद दिस सन कार्ड ठीक है काफी टाइम से जिस भी चीज का आपको वेट था और इस हैंडमैन की सिचुएशन से आप निकलेंगे बाहर आएंगे कोई भी मसला था मुझे ज्यादातर यहां पर लग रहा है फाइनेंशियल इश्यूज और जो कमिटमेंट को लेकर के प्रॉब्लम चल रही थी ना मिसअंडरस्टैंडिंग थी किसी तरीके की कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होने वाली है इस मंथ के अंदर अगर मैं यहां पर बात करूं कि कार्टोमेंसी से हमारे पास क्या आया है तो हमारे पास है एस ऑफ क्लब एंड देन सेकेंड कार्ड आया हमारे पास थ्री ऑफ स्पेड इन रिवर्स ठीक है तो काफी समय से मैंने आपको बोला था कि काफी समय से जो ये मनी का इशू चल रहा था ना ये मनी इशू अब खत्म होने वाला है ठीक है ये मनी का जो प्रॉब्लम चल रहा था ये खत्म होने वाला है तो मैं तो यहां पे लव रीडिंग कर रही थी बट ये करियर रीडिंग हो गई ठीक है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो पर्सन है आपको इसलिए कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो स्टेबल नहीं महसूस कर रहे थे ठीक है तो अब जो है उनको स्टेबिलिटी मिलने वाली है विद दिस एस ऑफ क्लब्स का ठीक है दिस इज अ वेल्थ कार्ड दिस इज अ फॉर्च्यून कार्ड तो मैं यही बोलूंगी कि आप इतने टाइम से जो पॉजिटिव रहे हैं ना भले ही आप स्टक रहे हैं परेशान रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक होप थी एक ट्रस्ट था उसको कायम रखिए क्योंकि यहां पे सन का कार्ड है अगर यहाँ पे सन का कार्ड नहीं होता ना तो मैं कुछ और बोलती ठीक है और क्या बोलती वो भी बता देती हूँ वरना आप लोग क्रियोसिटी में रहेंगे तो मैं ये बोलती कि ये मंथ आपका बहुत खराब होने वाला है ठीक है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रिवर्सल्स की एनर्जी है और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा डाउट में भी रहते हैं तो डाउट में रहना बंद कर दीजिए क्योंकि यहां पर आया है सन का कार्ड तो सन का कार्ड हमेशा चिल्ला चिल्ला कर यही कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी इन एनी हाउ कैसे भी करके ना ठीक होनी ही है चीजें ठीक है अगर मैं आपके रोमांस एंजल्स की बात करूं तो हमारे पास है रिट्रीट यस तो रिट्रीट तो हुए हैं आप ठीक है आपके साथ हुआ है गलत उसके बाद है फाइनेंस एंड करियर सी कार्ड्स अपने आप कह देते हैं जो मैं कहने की कोशिश करती हूँ फाइनेंस एंड करियर तो जैसा कि मैंने बोला कि काफी समय से आप या फिर आपका पर्सन इस, इस मतलब रुपये पैसे के मसले की वजह से ना एक नहीं हो पा रहे थे और अब वो समय आ गया है कि सब कुछ सही हो जाए ठीक है सब कुछ बेटर हो जाए और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि अगस्त के लास्ट आते आते तक ना मतलब सितंबर के स्टार्टिंग होते होते ना सब चीजें सॉर्ट आउट होने वाली हैं और बस आप खुश हो जाएंगे इसकी तरह ठीक है दूसरी बात ये कि इतने टाइम से जो रिट्रीट आप महसूस कर रहे थे ना लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे हमेशा ये सोच रहे थे कि मेरे साथ तो हमेशा गलत होता है ये वो तो ये चीजें भी खत्म होने वाली है मुझे ऐसा भी लग रहा है तो ओवरऑल ये मंथ की जो एनर्जीज है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी है लेट मी चेक विद एंजल्स गाइडेंस भी तो आज के और एंजल यस तो आज के और एंजल का कार्ड आया आपके पास में तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है एंजल से पूछना देन फिर आया हमारे पास रिकवरी ठीक है तो रिकवरी होगी आपकी आप जिस भी प्रॉब्लम से गुजरे हैं ये सारी प्रॉब्लम्स एक दिन खत्म होंगी और फिर आप ऐसा सोचेंगे थैंक गॉड ये मेरे साथ हुआ तो आज मैं इतना खुश हूं फिर हमारे पास लुक फॉर अ साइन गेस तो यहां पर एंजल्स का भी कार्ड आया था और यहां पे लुक फॉर साइन भी आया तो हो सकता है आप नेगेटिव और डाउट्स में ज्यादा रहते हो तो आपको क्या करना है ना सब कुछ सही सोचना और देखिये यहां पे क्या है रिकन्सुलशन सी मैंने कहा ना रिकन्सुलशन होगा आप लोगों का इस अगस्त मंथ के अंदर ना बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ बहुत बहुत अच्छा होने वाला है चूज अ न्यू डायरेक्शन सी मैं बोल रही थी ना आपको कि आपको क्या करना है एक नई राह चूज करनी है और वो नई राह है पॉजिटिविटी की तो आपको वो चूज करनी ही है रिकन्सिलियेशन तब ही होगा पॉजिटिव रहना है ठीक है नेगेटिव डाउट्स नहीं लेके आने इतने टाइम से ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी ना इन सबका अंत होने वाला है और अंत बहुत बहुत करीब है ठीक है तो लेट मी चेक मैं ये वाला कार्ड लेना पसंद करूंगी हमारे पास है टू ऑफ और, और ये है एक पार्टनरशिप का कार्ड तो यस जैसा कि मैंने बोला ओवरऑल आपके मंथ की क्या एनर्जी रहने वाली है टू ऑफ यानी कि आपके जो पर्सन है वो इतने स्टेबल होंगे कि वो आपके बारे में सोचना विचारना शुरू करेंगे कि आखिरकार मुझे आगे स्टेप क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए तो ओवरऑल अगर मैं इस सॉरी uh, इस अगस्त मंथ की बात करूं तो ये बहुत अच्छा जाने वाला है बहुत लकी साबित होने वाला है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही कुछ इस तरीके से अच्छे आए हैं ठीक है तो जैसा भी होता है मैं यही चाहूंगी कि ये प्रिडिक्शन आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग सही हो और सब लोगों के रिकनसिलियशन बहुत जल्दी हो जाए जमेना पीपल आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी टू सी जस्ट सच टाइप ऑफ एनर्जी शिफ्ट इन योर आप काफी टाइम से नेगेटिव थे लास्ट रीडिंग में भी ऐसा ही था और इस बार आप थोड़े पॉजिटिव आए हैं स्टकिंग एनर्जी से बाहर आएं तो देख लीजिए आपके लिए सन का कार्ड आया है ठीक है तो बस पॉजिटिव रहिए खुश रहिए और अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाय